कांग्रेस विधायक शुक्ला का MY चाचा नेहरू अस्पताल पर छापा। एक तरफ मरीज अस्पताल में भर्ती होने के लिए परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ इन अस्पतालों में पूरी मंजिलें खाली पड़ी हैं। कोरोना के मरीजों के अलावा इलाज में शासन प्रशासन की लापरवाही उजागर। इंदौर कांग्रेसी विधायक संजय शुक्ला ने MY अस्पताल और चाचा नेहरू अस्पताल पर जाकर छापेमारी करवाई कि इस समय शहर में एक तरफ जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती होने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन अस्पतालों में की पूरी मंजिलें खाली पड़ी हुई हैं। इस तरह इन पीड़ितों के उपचार में शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही लापरवाही उजागर होकर सामने आई है। कोरोना से संक्रमित मरीजों को उपचार दिलाने और उपचार में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में आज सुबह विधायक शुक्ला MY अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। पिछले काफी समय से जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि MY अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का बेहतर उपचार हो रहा है। पिछले दिनों यह भी आदेश जारी किया गया था कि इस अस्पताल की चौथी और पांचवी मंजिल को पूरी तरह से कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। आज जब कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला अपने साथियों के साथ इस अस्पताल पर पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि सारे शहर में एक तरफ संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती होकर उपचार प्राप्त करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ MY अस्पताल में चौथी और पांचवी मंजिल पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है, वहां पर एक भी मरीज भर्ती नहीं है। इसके बाद विधायक शुक्ला के द्वारा MY अस्पताल के ठीक पीछे स्थित चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय का दौरा किया गया। इस चिकित्सालय में भी कोरोना के मरीजों को भर्ती कर उसे कोरोना अस्पताल के रूप में सामने लाने का फैसला काफी पहले हो चुका है। आज जब विधायक वहां पहुंचे तो वहीं यह देखकर चौंक गए कि पूरा अस्पताल खाली पड़ा हुआ है, जिससे कहीं भी एक भी मरीज भर्ती नहीं है। इसके बाद भी कोरोना के मरीजों को इस अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। इन दो प्रमुख सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के उपचार की दिशा में जो स्थिति दौरे में उभर कर सामने आई है, उससे स्पष्ट है कि शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाओं को सजोने में लापरवाही की जा रही है, जिसका खामियाजा कोरोना के संक्रमित मरीजों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। इस समय इंदौर के सारे अस्पताल हाउसफुल हैं, ऐसे में हर दिन निकलकर सामने आ रहे कोरोना वायरस से पीड़ित नए मरीजों के उपचार के लिए कहीं कोई बेड नहीं है। शहर से ऑक्सीजन और इंजेक्शन की किल्लत भी दूर नहीं हो पा रही है। अस्पताल में भर्ती होने के इंतजार में मरीज दम तोड़ रहे हैं, तो अस्पताल भर्ती मरीज ऑक्सीजन इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण भी दम तोड़ रहे हैं। सब तो लगा हुआ है, कंप्लीट है। एक बार अगर ऑक्सीजन शुरू हो जाएगी तो सर फिर इसको खत्म। आप सिक्योरिटी इन चार्ज हैं, आप यहाँ पे बाकी तो क्या है, आप सिक्योरिटी इन चार्ज हैं? हेलो ये सब तैयार है पूरा, वो करना है ऑक्सीजन चालू करवाना है। उनको लगता है कि नहीं आए सब चले जाते हैं, आते देख के चले जाते हैं सब। तो मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं है नहीं। आप देखिए यहाँ पर नर्सें देख रही हैं, इसके अलावा कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पे एक डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी इंचार्ज है यहाँ पे।